चलो बात ना करो, देखो मेन चीज समझो ध्यान से अच्छे तरीके से। क्लास नंबर हमारी 10, देखो दरों के आधार पर 11वें नंबर की क्लास है। थैंक यू मैम। इधर देख लो 11वें नंबर की क्लास है, दरों के आधार पर करों का वर्गीकरण, टैक्स कितने प्रकार के हैं। अब तक हमने यही पढ़ा कि जो टैक्स हो ना नेचर के आधार पर, नेचरिटी के आधार पर जो टैक्स हमारे दो प्रकार के हों, एक तो हमारा प्रत्यक्ष करो, एक अप्रत्यक्ष करो। हमने पढ़ा अब तक कि भाई जो टैक्स हो हमारे दो प्रकार के, ऊपर प्रकृति के आधार पर, एक प्रत्यक्ष करो एक अप्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर की एक खास बात हो, हम बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, और अप्रत्यक्ष कर में जो बर्डन हो ना वो दाम बढ़ाकर दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे GST हुआ। समझ में आया बात या? लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दरों के आधार पर, जो पूरी दुनिया में दर के आधार पर, रेट के आधार पर जो टैक्सेशन हो वो दो पर तीन प्रकार के हों, दरों के, रेट के आधार पर, और तीनों समझने बहुत अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे लेके यहाँ स्टेटमेंट पूछा जा सकता, पेपर में पूछा जा सकता, वो भी प्रीलिम्स। और जिस दिन पूछ लिया ना तो कन्फ्यूज कर देगा तुम। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि कितना पढ़ा तुमने, क्योंकि तुम इस टॉपिक को दो तीन बार पढ़ चुके पहले ही। समझ में आया बात या? तो दरों के आधार पर करों का जो वर्गीकरण कितने भागों में करा गया, तीन भागों में। नंबर फर्स्ट प्रगतिशील कर प्रणाली, समानुपाती कर प्रणाली और प्रतिगामी कर प्रणाली। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रगतिशील कर प्रणाली, कि प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हो, क्या हमारे यहाँ प्रगतिशील कर प्रणाली मौजूद। इसे हम प्रगतिशील कर प्रणाली को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, और दूसरे बोलते हैं समानुपाती कर प्रणाली, इसे अनुपातिक कर प्रणाली बोलते हैं, अनुपातिक। हाँ तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक को प्रतिगामी कर प्रणाली, और तीनों का देखो तीनों का सिस्टम समझेंगे। ये एक प्रकार के अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनाए गए तीन प्रकार के सिद्धांत टाइप हैं। देखते हैं किस देश के अंदर ये मौजूद है कि नहीं है, पहले इनकी फीचर्स समझ लो। समझ आएगा, अगर तुम किसी की फीचर्स समझ लो ना फिर सब कुछ जान जाओ उसके बारे में, ये चीज कहाँ लागू हो सकती है कहाँ लागू नहीं होगी। अब देखेंगे, पहले मैं समझाने जा रहा हूँ प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या हो। हम कहने लगे इस बंदी की या बंदी की सोच ना बहुत प्रोग्रेसिव है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है वर्ड। हमने कहा ये बहुत प्रगतिशील इंसान है, यानी कभी भी एक जगह एक जैसा रुक कर नहीं रहता है, ये प्रगतिशील है। तो प्रगतिशील का मतलब पता क्या हो, यहाँ देखो मेन चीज क्या है, दर के आधार पर मेन चीज हो रेट, दरों के आधार पर करों का निर्धारण करना, दरों के आधार पर करों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, रेट का क्लासिफिकेशन करना, जो रेट हो दर हो समझे कर का सॉरी टैक्स हो, टैक्स का क्लासिफिकेशन करना बेसिस ऑन द टैक्स। समझने की बात, बेसिस ऑन द किसका क्लासिफिकेशन करना, टैक्स का, बेसिस ऑन द रेट, बेसिस ऑन द रेट के आधार पर करों का वर्गीकरण करना, करों का क्लासिफिकेशन करना। तीन टाइप के हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तीनों के फीचर्स समझ दो, तीनों की विशेषताएं समझो हो क्या इसका। ये देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या हो, क्या हो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, और बहुत अच्छा हो, जिस देश के अंदर भी होगा ना इसका मतलब होना ही चाहिए हो, मेरा तो ऐसा मानना। और देखेंगे यार भारत के अंदर मौजूद है क्या हो, और है तो फिर किस प्रकार हो। अभी हमारे यहाँ तुम जानते हो अब यहाँ GST लागू हो चुका हमारे यहाँ से, आज समझ, हमारे यहाँ दो प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। और जो हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स तुमने देखा हो, चलो डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स हिंदी में क्या है, प्रत्यक्ष कर। दिमाग खराब हो चुका तुम्हारा, जो प्रत्यक्ष कर है ना, जो प्रत्यक्ष कर हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स है। अब जो डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ देखेंगे वो प्रगतिशील है कि नहीं है, इसका ये मतलब वो प्रगतिशील का, जिन व्यक्तियों की आय कम होगी उनसे कम रेट पर टैक्स ले जाएगा, और जिन व्यक्तियों की आय ज्यादा होगी उनसे ज्यादा रेट पर टैक्स ले जाएगा। इससे बेस्ट क्या होगा, इससे बेस्ट क्या होगा, जिन व्यक्तियों की आय कम होगी उनसे कम रेट पर टैक्स ले जाएगा, और जिन व्यक्तियों की आय ज्यादा होगी उनसे ज्यादा रेट पर टैक्स ले जाएगा। रेट मेन दिमाग में धारण कर लेना, रेट यू समझ आई बात है, बेसिस ज्यादा होना चाहिए। बेसिस क्या है, बेसिस रेट, दर, ज्यादा दर पर टैक्स ले जाएगा, जिन व्यक्तियों की आय ज्यादा होगी उन्हें ज्यादा रेट पर टैक्स ले जाएगा, जिन व्यक्तियों की आय कम होगी उनको कम रेट पर टैक्स ले जाएगा। ऐसी टैक्सेशन सिस्टम जिस देश के अंदर भी हो तो बोल सकते हैं ये ना प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम। क्या भारत के अंदर ऐसा टैक्सेशन सिस्टम मौजूद है, हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी देश के अंदर ऐसा नहीं है ना, हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ ना ये एक प्रकार नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है। होना चाहिए प्रगति जिन व्यक्ति का, ऐसा थोड़ा ही होना चाहिए कि सब व्यक्तियों तो एक जैसा टैक्स ले रहे। तुम मान लो ये इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए, मेरी 10,000 रुपए, तो जो मेरे से तो जो टैक्स ले जा रहा आज समझ 500 रुपए, इससे भी टैक्स ले जा रहा 500 रुपए, ये तो गलत बात हुई ना। समझ आई बात है, तो मेरी इनकम तो देखो यार मात्र 10,000 रुपए, मैडम की 2.5 लाख रुपए है। समझ आई बात है, और ऊपर की मोटी कमाई रही अलग जो IAS बनने के बाद आ रहे। समझ आई बात है, मैं 10,000 रुपए में 10,000 रुपए दिल्ली में पढ़ाता चला जा रहा। समझ आई बात है, हाँ
हाँ गांव के इस तरह यूज करते हैं ना, गांव की शब्दावली यूज करते, तो 10,000 रुपये महीने भी पढ़ाता ही चला जा रहा, मैडम की इनकम इतनी, ये भी 500 रुपये का टैक्स दे रही, मैम 500 रुपये का, दिस इज नॉट प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम, हिंदी बोल दी इंग्लिश बोल दी, समझ आई बात, दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, समझ आई बात यार। और किसी भी कंट्री के अंदर ना प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी हो, कम रेट, कम जिसकी आय कम तो कम रेट पर टैक्स, जिसकी आय ज्यादा ज्यादा रेट पर टैक्स, क्या भारत के अंदर है ऐसा मौजूद है, हाँ है, क्योंकि भारत में जो प्रत्यक्ष कर ना, जो डायरेक्ट टैक्स आया समझ, जो डायरेक्ट टैक्स जो हम इनकम टैक्स कहते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत आयकर कहते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, जो मेरी आय पर लगा जाता वो टैक्स हमारे यहाँ प्रगतिशील है, क्यों, क्योंकि जिसकी आय ज्यादा होगी वही टैक्स देगा, आज जिसकी 5 लाख से कम इनकम होगी ना, नो टैक्स, जाओ बेटा जाओ, 5 लाख से कम होगी, समझ में आए बात या, जैसे ही 5 लाख जैसे 2.5 लाख से कम होगी, 2.5 लाख को कोई टैक्स नहीं है, शुरू के 2.5 लाख को कोई टैक्स नहीं है हमारे यहाँ से, तुम जानते हैं 2,50,000 हमारे यहाँ, 2,50,000 रुपये ना हमारे यहाँ, 2,50,000 रुपये जो टैक्स है ना, टैक्स जो टैक्स वो पता कितना, 0, बधाई हो, कितने परसेंट है टैक्स, 0%, और जैसे तुम पता लगा ना, सरकार को दिखाई देगा तुम्हारे खाते में 2,50,000 रुपये, सरकार कहेगी बेटे बहुत होशियार होगा, आज 5% दे, ऐसा समझो, तुरंत इनकम टैक्स वाले ने जो जिसके तुम्हारे हाथ में पैन कार्ड दे रखा है, पैन कार्ड दे रखा है, उस पैन कार्ड वालों का यही काम हो, खाते थे लिंक का सब वो एकदम जांच करेंगे, देखेंगे अच्छा खाते में इतने पड़े हुए 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख पर ना अगर तुम्हारी सालाना इनकम, एक साल की इनकम तुम्हारी 2.5 लाख, तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपये दिखा दिए, अगर तुम खाते में दिखा दिए 5 लाख रुपये पड़े हुए, 2.5 लाख रुपये पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है, अगर दिख गए ना सो 5 लाख रुपये, 1 रुपया भी फालतू, 5 लाख भी पूरे हुए, चुपचाप एक साल तक भी दिखा दिए, एक साल की तेरी नेट इनकम, तुरंत सरकार पैसे काट लेगी, आजा बेटे ले जा, एक साल हो गए थे खाते में बड़े बड़े 5 लाख रुपये, एक साल हो गए नेट इनकम तुम्हें एक साल किया, अगर एक साल तक हो चुका तो 5% टैक्स लेगी उसको, अगले 2.5 लाख पर, अब 2.5 लाख का 5% निकालो कितना बैठेगा, अब 2.5 लाख का जैसे 5% निकाल लोगे ना, मैथमेटिक्स परफेक्ट होगा तुम्हारा, कितना बैठेगा 2,50,000 का कितना बैठेगा बताओ, 5% निकाल लोगे, धड़ 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 12,500, इसका बैठेगा 12,500 रुपये देने पड़ेंगे सरकार को, आज समझो सरकार पकड़ ली बेटा, जरा जाओ टैक्स दे लाओ, समझ आई बात है, मैं अपने खाते में 7.5 लाख रुपये डाल दूंगा, नुगारी डाल बैठे डाल, कोई बात नहीं डाल, डाल जितना डालना तुझे, नुगारी में भी 5% और बढ़ा दूंगा, तू डाल तो पैसे 10%, ये 10% पता किस पर, ऐसे समझो सब पर नहीं आए हो, केवल इस 2.5 लाख पर हो, तू पैसे बढ़ा, सरकार रेट बढ़ा रही, तू पैसे बढ़ा, नुगारी तू अमीर बनता चला, तेरे खाते में 7.5 लाख रुपये, अच्छा हम तेरे ज़्यादा रेट पर टैक्स लेंगे, हम 10% लेंगे तेरे, मैंने कहा जी मेरी बुआ के लड़के, जो मेरी बुआ का लड़के का दोस्त का भाई की उसकी चाचा की बेटी ना, उसी खाते में 2.5 लाख रुपये 5 लाख रुपए, गरीब ठीक हो उसके खाते में कम है ना, मैंने कहा हाँ जी कम कम है, तो कम रेट पर टैक्स, ज़्यादा ना ज़्यादा रेट पर टैक्स, और दुनिया में इस तो बेहतरीन टैक्सेशन सिस्टम कुछ नहीं है, हर टैक्सेशन सिस्टम की यही खास बात होनी चाहिए, वो प्रगतिशील होना चाहिए, अगर प्रगतिशील नहीं है ना उसे बनाओ, और दुनिया में ना जब भी हम कोई टैक्सेशन सिस्टम प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम बनाते हैं, कोई टैक्सेशन पढ़कर प्रणाली बनाते हैं किसी देश की, ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा कि वो टैक्सेशन सिस्टम हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, नहीं तो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा, आम आदमी का उपभोक्ता का शोषण होगा, बात समझ में आई है ठीक, हर टैक्सेशन सिस्टम को बनाते वक्त चाहे GST हो चाहे GST का बाप हो, आज तक GST को यूं सोच सकते हैं कि GST को टैक्सेशन सिस्टम कैसे बन, GST को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कैसे बनाया जा, बना ही नहीं पाया कोई, आया समझ में, भिखारी ने एक कुरकुरा पैकेट खरीदा, उसने 10 रुपया खरीदा, तुमने 10 का खरीदा, टैक्स दिया होगा उस पर GST, क्योंकि भिखारी भी GST दे रहा, अब भिखारी की इनकम देख लो, अपनी इनकम देख लो, इन्होंने भी GST बराबर का पे करा, लेकिन हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष कर ना वो प्रगतिशील नहीं है, GST समझ में आई बात है, जो अप्रत्यक्ष कर ना हमारे यहाँ से वो प्रगतिशील नहीं है, क्योंकि हम ना जो जो जिसकी इनकम कम हो, और किसी को आज तक ये भी नहीं पता, उस जो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष करो उसे प्रगतिशील कैसे बनाएगा, तुम मुझे बता दो, मैंने तुम्हें बात बताई थी भी, समझ आई बात यार, तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो GST जो टैक्सेशन सिस्टम है वो तो आम उपभोक्ता का शोषण कर रहा नहीं कर रहा, समझ में आई बात यार, इसीलिए सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसीलिए सब्सिडी के फेवर में तुम ये पॉइंट लिखोगे, सब्सिडी जरूर देनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आम उपभोक्ता ना वो भी GST पर इतने पैसे दे रहा है जितना एक अमीर इंसान दे रहा है GST पर, इसलिए सब्सिडी देनी चाहिए, 1500 रुपये डाल लो खाते में गरीब आदमी के, जन धन योजना के अकाउंट खुलवाओ, भरो ना, समझ आई बात यार, सब्सिडी जिस हम कर सहायकी बोलते हैं, जो सहायकी ना उसे दो, सहायकी का मतलब जो हेल्प आम आदमी को जो दी जा रही, सब्सिडी जिसे बोलते हैं, बिजली फ्री मुफ्त की राजनीति, ये मुफ्त की राजनीति सही हो रहा है, आम आदमी को तो दे जा रहे हैं मुफ्त, सबके लिए थोड़ा ही करोगे तुम, समझ में आई बात यार, जिनकी टैक्स ज़्यादा होगी ना क्यों कर रहे हो तुम, जिनकी इनकम ज़्यादा होगी, इतनी बात बताओ, ये बताओ हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है, जिसे हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, व्यक्तिगत आयकर बोलते हैं, वो हमारे यहाँ प्रगतिशील है नहीं है, है नहीं है, अब मुझे ये भी बता दो, जो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष करो प्रगतिशील है नहीं है,
कहाँ है प्रत्यक्ष प्रगतिशील? हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष कर क्या है? जीएसटी नहीं है, जीएसटी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर, वो प्रगतिशील है ही नहीं हमारे यहाँ। कहाँ? अगर प्रगतिशील होता फिर भी भिखारी को 10 रुपये क्यों देने पड़ते? भिखारी पाँच रुपये का मिलता कुरकुरा पैकेट, मुझे मिलता 10 रुपये का, क्योंकि मिलेंगे हम ज़्यादा। इसका मतलब हमारे यहाँ जीएसटी प्रगतिशील नहीं है, और तुम पूरी दुनिया में कहीं भी जो अप्रत्यक्ष करो प्रगतिशील नहीं है। अगर तुमने जीएसटी को प्रगतिशील या अप्रत्यक्ष करो प्रगतिशील बना दिया ना, चाहे वैल्यू एडेड टैक्स हो, वो प्रगतिशील नहीं है अगर तुमने बना दिया, तो दुनिया में अगला नोबेल प्राइज आपका ही। समझना ही बात, या मुझे लिख कर दे देना किस तरह बनाया जाएगा। दुनिया में अगला नोबेल प्राइज आपका ही 10 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी तुम्हें, 5 करोड़ तुम्हारे आया समझ में, अगले 5 करोड़ भी फिर मेरे ही। समझ में आई बात, यह कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इतनी बात बता दो मुझे, ये प्रॉब्लम है यहाँ तक। बढ़ते चलो। सरकार पता क्या चाहती है? 2 रुपये कहाँ से और आ जा। सरकार बहुत तेज है, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग करा गया। तुम किस बात के लिए लड़ रहे? हर जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी काम कर रहे, तुम्हारी जेब से सैलरी जा रही है उनकी सबकी, हर चीज तुमसे, तुमसे ही पैसा कमाया जा रहा है और तुम पे ही खर्च करा जा रहा है। समझ बात है, तुम्हारी जेब से पैसा निकाल कर जो राजनीति करने वाले लोग ने, छुटपुट राजनीतियाँ करते वाले लोग, उनकी जेब में पैसा डाला जा रहा है, उनके अकाउंट भरे जा रहे हैं, वे दुबई चले जाते हैं, हलाला मार्केट करते हैं, समझ नहीं बात, या हवाला बाजार में पैसा डालते हैं, फिर वहाँ से आकर ना नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ कंपनियाँ खोलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे उनका घर बर्बाद कर देते हैं। समझ में आया बात, यह कहते हैं तुम रात रात भर में अमीर बना देंगे, वहाँ का पैसा यहाँ धोखे तलाकर भारत का ही पैसा बाहर ले जाकर भारत में लेकर आएंगे। नु कहेंगे अमुक नाम की कंपनी आई, ये प्रोडक्ट है उसका, ऐसा खाओगे हेल्थी हो जाओगे, जब पहले तो हेल्थी और गया, हेल्थी करना सर, ऐसा बजबो नुकहारे अमुक नाम का प्रोडक्ट, ऐसा बजबो अनुकहारे तुम्हारा पेट है ना स्वस्थ हो जाएगा बिल्कुल, खुद का इतना बड़ा पेट ले फिर रहे, अपने दूसरों को स्वस्थ कर रहे, बजा के देखा, मैं रिलेटिव बता रहा हूँ तुम, ये भारत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये राजनेताओं की चाल हो यार, समझ नहीं बात है, इसे क्या ब्लैक को व्हाइट, जो ब्लैक को ना ब्लैक मनी उसे व्हाइट कन्वर्ट कर देना, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ऐसे कर देते व्हाइट मनी में कन्वर्ट, सरकार कुछ कहती नहीं फिर। समझ नहीं बात, सरकार को तो लगेगा कि FDI करने आए और भारत सरकार भारत के लोगों को नौकरी देंगे। समझ नहीं बात, ये नौकरी देने की जगह उनके घर बर्बाद कर देते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ तुम, आर्टिकल छापूंगा इसके ऊपर मैं, ठीक। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आ रही नहीं आ रही, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? 2.5 लाख, अगले ढाई लाख, जैसे ही रेट बढ़ाते चले जाओगे ना, जैसे इनकम बढ़ाते चले जाओगे रेट बढ़ता चला जाएगा, इनकम बढ़ाते जाओगे रेट बढ़ता चला जाएगा, यही तो प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम हो। तुम्हारा क्या मानना किसी विदेश में प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए? हमारे यहाँ जो GST हो प्रगतिशील है नहीं है? GST को प्रगतिशील बनाया जा सके? कैसे बनाया जाएगी? बनाना चाहिए तो बना लेने में, मैंने कर रहा बना, तू भी मुझे भी लिख। समझ में आया बात, यह कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो अगर GST प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम कैसे होगा, ये तुम मुझे जरूर लिखोगे, तुम्हारा पूरी जिंदगी का होमवर्क है। समझ में आया बात है? ठीक है, फिर उसके बाद अब डायरेक्ट कौन है वहां? इसमें क्या होगा? प्रतिगामी, जो प्रतिगामी कर टैक्सेशन प्रणाली ना, प्रतिगामी टैक्सेशन प्रणाली, इसमें उल्टा हो। पहले बीच वाला मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले से समझ लो इसमें उल्टा। पहले एक काम करो, जो प्रत्यक्ष करो थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं, इसके तहत ना मैं सरकार देखो कितनी तमीजदार है। सरकार पता क्या कहती है? अच्छा चलो तुमने टैक्सेशन तो अगर तुम्हारी इनकम देखो इतनी होगी, 2.5 लाख होगी, 2.5 लाख और डाल ले तुमने खाते में, बताओ कितने जाएंगे तुम्हारे खाते में पैसे, बताओ कितने जाएंगे तुम्हारे खाते में? 5% और बढ़ा देगी सरकार, और दे 15%, तुम्हारे खाते में कितने जाएंगे? 10 लाख रुपये, 10 लाख हो जाएंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? सरकार जो पैसा यहाँ अगले 2.5 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा, कितना जाएगा यहाँ से पता करो जरा? 25,000 आ जाएगा यहाँ, 25,000 दो 37,500 आ जाएगा, सब कुछ जोड़ेगा 75,000 आ जाएगा, कितना? 75,000 के का मतलब 1,000 हो, ठीक 75,000 आ जाएगा। जैसे यहाँ 75,000 आ जाएगा ना, जैसे यहाँ 75,000 आया तो इस मतलब 75,000 रुपये, 10 लाख रुपये तुम्हारे खाते में दिख गए सरकार को एक साल में, तो 75,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा उसका, कराना धरा कुछ भी चुपचाप टैक्स दे दो, 10 लाख तुम्हारे खाते में पड़े हुए सरकार को दिख गए, अरे कहाँ हो बाबूजी, इस बार रिटर्न फाइल करने नहीं आए आप, क्या बात, कुछ प्रॉब्लम थी क्या? उसने कहा जी नहीं जी, याद नहीं थी, बैन लगाएंगे तुम पर, तुम्हें जेल में डाल लेंगे, 2 साल की सजा तुम्हें, 10 लाख खाते में पड़े हुए तुम्हारे। समझ में आया बात है, आ जाओ चुपचाप रिटर्न फाइल करो, घर का तलाशी लेंगे और दोबारा आएगा, ये इनकम टैक्स वाले ये काम हो उन्हें, देखिएगा तुमने शादी में जरूर ना टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, ऐसे बजे समझ में बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो इधर, तो 75,000 है ना, 75,000 टैक्स दे देना पड़ेगा सरकार का, इतना पैसा ले लिया सरकार ने,
सरकार कहती जो बंदा 75,000 दे सक 1-2 हज़ार रुपये और दे सक, क्या जा रहा है उसको बता टैक्स के ऊपर, टैक्स नहीं 75,000 और दे दे बाबू, सरकार मुझे बाबू 75,000 रुपये दे, ये 75,000 रुपये देने आप ना 75,000, ये तो टैक्स, ये तो टैक्स नुगर अभी हम टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा रहे हैं। मैंने कहा चाहे क्या रहे, अब जब बंदा 75,000 दे रहा है 10 लाख उसके खाते में बढ़े, 75,000 दे दिए 1-2 हज़ार रुपये में क्या जा रहा है, सरकार पता क्या कहती है, सरकार पता क्या कहती है, नुगर हम 3% जो सेस है ना 3% जो 3% एजुकेशन एजुकेशन सेस लगा रहे। मैंने कहा सेस क्या हो, नुगर सेस नुगर इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसमें देश की प्रगति होगी, इतना पैसे कमाने वाले इंसान देश की प्रगति होगी, 1,000 रुपये में क्या जा रहा है, एजुकेशन सेस जो सेस क्या हो, सेस को मैंने हमने पूछा क्या है, उपकर है भाई उपकर। मैंने कहा क्या है, क्या इंग्लिश में क्या कहूँ, कह रहे सेस। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं पैसे देता होगा दिखो मुझे, ना 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 तुम बस 1500-1600 रुपये और देने पड़ेंगे। मैंने कहा 1500-1600, मैंने कहा कौन कह रहा है सेस, ये नहस ऐसे बजू सेस लगा दिया, समझ नहीं बात है, एजुकेशन सेस लगाया केंद्र सरकार, एजुकेशन सेस लगाया केंद्र सरकार ने, एजुकेशन अभी है वर्तमान समय में 3% की जगह 4%, आज समझ सरकार इसके ऊपर लगाती है 7500 रुपये का 3% निकाल लोगे तो 75% 75,000 का निकालोगे 3% 75,000 का निकाल दोगे, 3 बटे कितने बैठा का 100 काटो धड़ 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 कितने बैठा का 3 तो गुणा कर दो 3 0 0 3 5 15 का 5 का 3 5 3 3 7 21 21 1 22 2250 रुपये 3% निकाल दिया, ऐसे समझ 3% सरकार को दे दो, आ जाओ पूछ दो सो यानी 21 यानी 2000 रुपये के आसपास और दे दो सरकार को, जो बंदे 75,000 रुपये दे 2000 रुपये और दे देगा, ऐसे समझ। जब अरुण जेटली की सरकार आई ना उन्होंने कहा हम सेस को खत्म कर रहे हैं, और ये 3% जो सेस है ना 3% सेस, उसने कहा अब हम 3% सेस खत्म कर रहे हैं, जितने भी इनकम टैक्स देने वाले थे ना वे सारे खुश, कह रहे वाह अब तो खत्म हो रहा है, जैसे अगली लाइन पता क्या बोले, कह रहे 4% कर रहे हैं सर, आए समझ एक बार लाइन तो बोले कह रहे हम सेस को 3% खत्म कर रहे हैं, अगली लाइन बोले कह रहे हम 4% लगा रहे, 1% और बढ़ा रहे, तो बढ़ा दिया आज भी 4% ये सेस कर के ऊपर कर, ये कर था यो इसके ऊपर और कर ले लिया, नु कह रहे जो बंदा इतना दे सके इतना और दे सके, ऐसे बदलो। अभी पता क्या हुआ, इस तरह करके ना ये जो कर यो उपकर था, ये उपकर था जो वैल्यू एडिड टैक्स था ना, वैल्यू एडिड टैक्स था जब पहले जीएसटी था पहले, तो ये जो कर था उपकर जिसे हम बोल लो जिसे हम सेस बोल लो सेस, ये धीरे धीरे 15% था, कितना था 15% के आसपास, कितना ये 15% के आसपास था जो सेस था, 15% के आसपास था, ध्यान तो सुनने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उपकर समझ में आ, कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर, अच्छा कर की खास बात, उपकर की क्या खास बात हो, उपकर हमेशा केंद्र सरकार लगाती है, उपकर का और जो अधिभार का पैसा हो, अधिभार समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, उपकर जो उपकर का जो अधिकार भार का पैसा हो ना वो केंद्र सरकार के पास रहता है, केंद्र सरकार ना राज्य सरकार के साथ नहीं बांटती, राज्य सरकार के साथ नहीं बांट सकती, बाकी जितने भी टैक्स हैं राज्य सरकार के साथ बांटते हैं, और जो उपकर है ना वो राज्य सरकार भी लगा सकती है, उपकर राज्य सरकार भी लगा सकती है, और किसी भी विशेष उद्देश्य के लगाया जाए, अगर एजुकेशन के लिए लगाया जाएगा ना तो एजुकेशन फंड बनाया जाएगा और ये पैसा एजुकेशन में खर्च कर सकम, जिस उद्देश्य के लिए लगाएगा उसी के लिए खर्च कर सकते हैं, अधिभार में ऐसा नहीं होता, ऐसा अधिभार का पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हैं, अधिभार भी समझाऊंगा इसके बाद, इतनी बात बताऊं मुझे सेस के ऊपर उसके जिस बंदे की इनकम ज्यादा हो ना कर के ऊपर कर लगाया जा, कर के ऊपर क्या लगाया जा, कर उसे क्या बोलते हैं उपकर, उपकर ऐसे समझ। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम अगर एक हो अधिभार, इसे भी समझ लीजिए जरा, एक पहला अधिभार कौन सा भार, अधिभार, और जो अधिभार हो इसे बोलो सरचार्ज, ये भी एक प्रकार का टैक्स हो, सरकार पता क्या कहती है, ये कहती है तुम्हारी सोनू जी, मैंने कहा जी सुनाओ जी, आपकी इनकम 50 लाख प्लस है, मैंने कहा जी क्या चाहिए आपको बार बार, पता नहीं क्या करने जाते हो आप, हाँ आपकी इनकम 50 लाख प्लस है, सुना आपके बारे में, अच्छा 1 लाख में एक साल में आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के बीच में कमाते हो, अच्छा बहुत पैसा कमाते हो आप, 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के बीच में कमाते हो, जिस व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज्यादा हो 1 करोड़ के बीच में हो तो उस पर सरकार 10% पता क्या लगा गई, 10% सरचार्ज लगा देगी, और सरचार्ज पता कैसे लगेगा, मान लो आपकी इनकम इस कैटेगरी में रखे थे आप जितना, मान लो आप जो टैक्स हो रहा 80 आपकी इनकम 80 लाख रुपये, कितनी 80 लाख रुपए, 80 लाख के आसपास आपकी इनकम, ठीक कितनी इनकम 80 लाख रुपए, अब सोचो 80 लाख का कितना टैक्स बैठा था, निकाल लोगे तुम 10 लाख का टैक्स 75,000 आया, और आगे और बढ़ाओगे ना 20 लाख का उस तो बहुत ज्यादा बैठेगा, 30 लाख का और ज्यादा बैठेगा, 40 लाख का इससे ज्यादा बैठेगा, 50 लाख का ज्यादा बैठेगा, 80 लाख का कितना बैठेगा सोच लो, मुझे क्या कितना बैठेगा, मान लो एक्स बैठेगा
चलो मोटे मोटे तरीके समझ रहे ना तुम क्या कहने कुछ कर रहा हूँ मैं भाई। 80 लाख को बहुत ज्यादा टैक्स बैठेगा नहीं बैठेगा। इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो, 1 करोड़ के बीच में हो ना, तो जो टैक्स होगा ना, जो टैक्स आगा हो, मान लो मेरी इनकम 60 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए में खत्म पड़े हुए, सरकार इस तरह लगागी शुरू के 2.5 लाख को घरे कोई पैसे नहीं लेने निकाल दे, अगले 5% पर 5-5% बढ़ाती चली जाएगी, और 60 लाख तक उसके पास कितने पैसे, कम से कम 60 लाख तो उसके पास 20 लाख रुपए जा चुके होंगे। 60 लाख मतलब 20 लाख मुझे सरकार को देने पड़ेंगे, बधाई हो। कितने लाख? ये 20 लाख टैक्स, सिर्फ टैक्स। टैक्स तो वो अभी अभी सरचार्ज नहीं आया, उपकर नहीं आया, उसे निकाल दो अलग। अब ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, मैं जो समझाने जा रहा हूँ मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छे तरीके से समझना अच्छे तरीके से। ये क्या है? अधिभार। अधिभार बच्चों क्लियर नहीं पता है अधिभार, इसे सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज, सरचार्ज कैलकुलेशन से समझोगे। मान लो मेरी इनकम 80 लाख रुपये, 60 लाख रुपये मेरी इनकम कितनी? 60 लाख। बता दो 1, 2, 3 इकाई ढाई, सही है, इतने लाख रुपये मेरी इनकम। ठीक, इनकम मेरे खाते में पड़े सरकार को देख के। सरकार ने पता क्या है, सरकार ने ये वाली सैलरी अप्लाई करी, शुरू के 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर उसने पैसे बढ़ाते चले गए, रेट बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। तुम कह रहे बहुत अमीर आदमी हो तुम। मैंने कहा क्या आए हो? अरे एक साल हो गए, 1, 2, 3, 4 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख। तुम कह रहे 20 लाख रुपये टैक्स के। अब बताओ लोग क्यों ना चोरी कर, 60 लाख मतलब लगभग बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 18-20 के आसपास अलग बात है, 20 लाख रुपए सरकार को टैक्स देने पड़ेंगे। कुछ नहीं करा सरकार ना, एक ही बात कह रही, और 20 लाख ले तो लिए, ये तो टैक्स है ओरिजिनल, ये वाला जो पुराना चल रहा है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को देना मुझे। अब सरकार ये भी कह रही जो टैक्स लगा है इसका सेस दो, पहले मुझे सेस भी दो इसका, और सेस पता कितना चल रहा है आजकल वर्तमान समय में? 4%। इसका 4% निकाल लो, 4/4 कितना बैठेगा? 100। धड़ कटेगा हाथ, 4×2 = 8 कितना बैठेगा? लगभग 80,000 के आसपास। कितने हजार? 80,000 रुपये। अब बताओ 80,000 रुपये मैंने और दे दिए, ये नुकारे। मैंने कहा ये 80,000 क्या करोगे तुम? नुकार हमने एक एजुकेशन फंड बना रखा है भारत में, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ऊपर आए समझ में, टीचरों के ऊपर, इनके ऊपर खर्च करेंगे हर साल हम सब तले भाई जिंदगी में ज़्यादा हो। मैंने कहा बेटे मजा तभी ले रहे आए समझ में, ठीक है भी ठीक। मैंने कहा और कुछ भी चाहिएगा? नुकारी हाँ, तुम्हारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा, एक और कर लगेगा तुम पर, और तुम पर भार का बोझ डाल लेंगे, उसे बोलेंगे अधिभार। तुम पर भाज का भार जो कर ना, भार जो टैक्स उसका और भार डाल लेंगे, उसे बोलेंगे अधिभार, अधिभार। मैंने कहा ये क्या हो? मुझे जो तुम्हारी वो आया था टैक्स आया था, उस टैक्स का 10% लगेगा, अब इस टैक्स का 10% लगाओ, देखो करेगी फटाफट। मैंने कहा इसका क्या करोगे? मुझे बस तुम्हारी इनकम बहुत बहुत ज्यादा 50 लाख से ज्यादा, इसका 10% दो, और 10% सरकार के पास जाएगा, और सरकार उन्हें एजुकेशन में खर्च करके कहीं भी खर्च कर सकते, कहीं भी सर कल्याण कार्यों के लिए सरकार 10% लेगी, इसका भी 10%। बताओ 20 लाख का 10% निकाली, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख इसका 10% निकाल लो, 10/100 बैठेगा, 1 0 1 0 कटेगी आया समझ में, उसके बाद यहाँ तो कटेगी 2 0 कितना बैठेगा बताओ करीब, कितना बैठेगा? 20,000। 20,000 और देने पड़ेंगे सरकार को, बधाई हो मेरे प्यारे बच्चों, ये 20,000 और चल जाएगा सरकार, 2 लाख कितना बैठेगा? 2 लाख, 2 लाख क्योंकि 10% है ना, 2 लाख के आसपास और देना पड़ेगा सरकार को, इसे अधिभार बोल लो। सरकार पता कितना पैसा कमा रही सरकार। अब मुझे ना बता दो ये लोग चोरी क्यों ना कर रहा? 60 लाख तुम्हारे खाते में पड़े हुए दिख गए ना सरकार को, 60 लाख तो चुपचाप 20 लाख सरकार को दे दो एक साल में, और वो तो उसका मनी उससे भी भरता, तुम कह रही 4% एजुकेशन से छोड़ दे दो, उससे तो भी मन नहीं भरा। तुम कह रही अब जब तुम 50 लाख तक पूरी कैटेगरी में आओ तो तुम पर अधिभार लगेगा, आए समझ समझ। तो जिस पर अधिभार लगा ना, अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख तक लेकर 1 करोड़ के बीच में, तुम पर अधिभार लगेगा, अधिभार लगेगा ना जो टैक्स आया था उस पर 10% लगेगा, समझ रहे बात या? अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में हुई तो तुम पर 5% और बढ़ जाएगा, फिर यो फिर कितना हो जाएगा? 15% यो, समझ गए? अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में हुई आए समझ में, तो फिर तुम पर और बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा 20%, 3 से लेकर करीब 5-5% बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए जो कंपनी वाले हो ना, कंपनी में इतनी सारी सामान बनना हो, उन पर इस तरह लगाया जाए टैक्स, यो उसी ही कैटेगरी में चला जा, फिर यो बात समझ में आई? इसे बोल रहा हूँ दूसरी भाषा में जाएगा फिर, कॉरपोरेट टैक्स, आया समझ? ये लास्ट तक तक 30% सरकार ने घटाया कर दिया था 22%, बुझा रहा है ऐसे समझ में? आगे जाकर इनकम कॉरपोरेट में बदल जाओ, जब ज्यादा बड़ा टर्नओवर आए फिक्स हो ना इतने तक कि तुम्हारा नेट एक व्यक्ति कितना हो रहा, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा हो जाना फिर वो कॉरपोरेट टैक्स लगेगा फिर इस पर, समझ में ये बात? नहीं तो फिर व्यक्तिगत आयकर इस तरह लगता रहेगा दीवार,
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, तीन चीज मैंने तुम्हें समझाई अभी। एक तो मैंने समझाया प्रगतिशील कर प्रणाली, देखो। लेकिन एक बात बताऊं तुम, इनकी तनखा 2-2.5 लाख रुपए ही हो। यही तो विनाश कर रहे देश का, यही तो विनाश कर रहे देश का। यही तो पैसा बाहर लेके जाओ, यहाँ तो यहाँ रख रहे पैसा है, दुबई में बैंक अकाउंट खुलवा रखा, एक व्यक्ति वहां पहुंचाओ पैसा, सेटिंग हो इनकी जानने वाली। आया समझ में? अधिकारी इनके वहीं खड़े रहा, अधिकारी वहीं खड़े रहा, वो राष्ट्रपति पे क्यों लगा नहीं? उस एक स्पेशल पोस्ट हो, भारत का प्रथम नागरिक हो, उसे विशेष प्रकार की छूट दी गई। प्रधानमंत्री में लगा नहीं, क्यों लगाएंगे? देश के लिए काम कर रहा हो। कितनी तनखा आने की? वो क्या है, वो फॉर्मेलिटी सिर्फ दुनिया के सामने लगा रखी है। अगर एक साल में इतने बैठ रही इनकी लाख, इनकी इनकम बैठ रही खाते में, तो उनका खर्चा भी तो उतना होगा खुद का निकालेगा। अगर उनके खाते में दिखाई दिए तो सब पर लागू होगा, तो सब पर, पूरे भारत का जो नागरिक होगा उस पर सब पर लागू होगा, उसकी पर्सनल इनकम पर। ये थोड़ा लगता है इस समूह को नाम के व्यक्ति छूट दी जाएगी। हाँ, उसे छूट दी जाएगी जिसकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में, और उसके खाते में 3 लाख रुपये होंगे ना, तो छूट ऐसा। अगर तुम्हें टैक्स में छूट चाहिए ना, हाँ तुम्हें टैक्स में छूट चाहिए, तो सेक्शन 80 जो आयकर अधिनियम है, पढ़ना तुम, सुन लो ध्यान लगाकर, आयकर ए जो बजाओ, आयकर अधिनियम ये पढ़ना, आयकर अधिनियम 2017 का जो बनाया गया था ना, उसमें एक 80C है और एक 80D, ये बहुत फेमस हो रहा है पॉपुलर आजकल। इसमें क्या हो, जो लोग ने इंश्योरेंस करवा ला, जैसे पता लग गया तुमने हेल्थ बीमा करवा रखा है और तुमने एक साल में वहाँ 20,000 रुपये जमा कर दिए बीमे के, किस्त करके दे रहे, कुछ भी समस्या खड़ी हो जाए तो 20,000 रुपये की तुम्हें टैक्स में छूट मिल जाएगी। इसमें 20,000 और कट जाएंगे तुम्हारे, एक खास बात है जो बीमा करवा ला। लेकिन ये भी जब देंगे, जब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा वहाँ दिखाना पड़ेगा, जब भी देंगे इनकम टैक्स वाले छूट, ये अपलोड करना पड़ेगा, समझ में आई बात या? और तुमने सरकार के कोई बॉन्ड खरीद रखे, समझ में आई बात या? सरकार की प्रतिभूतियां खरीद रखी तुमने, सरकारी बॉन्ड में पैसे निवेश कर रखा तुमने, किसान विकास पत्र खरीद रखा सरकार का, आया समझ में? तो फिर तुम्हें छूट मिल जाएगी टैक्स में, तो कहीं कहीं जगह छूट मिल जाती है। तो 80C 80D बहुत फेमस है, तुम पढ़ना होगा, ये बताएगा तुम्हें सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ छूट मिलेगी तुम्हें, समझ में आई बात या? तो बहुत फेमस है, पॉपुलर, पढ़ना चाहिए तुम्हें, खोल को गूगल पढ़ना चाहिए कि सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ छूट दी जा रही है। इसे गूगल पर यूट्यूब पर डालकर पढ़ना चाहिए 80C 80D, ये पढ़ना चाहिए कि सरकार के द्वारा टैक्स में कहाँ कहाँ छूट दी जाए, यूनो डाल लियो टैक्स से कैसे बचे, ऐसे समझ में कर डाल लो। और ये तुम तो पता कब डाल लो, जब IAS बन जाओगे ये डाल लोगे, टैक्स से कैसे बचे यूट्यूब पर। इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? लेकिन बताऊँ, जब तक GST आया ना, तो जो GST है ना उसके अंदर भी उपकर लगा जा, GST में भी उपकर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब दिखा तो GST में उपकर कहाँ से मौजूद है, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। ये ऐसे पॉइंट है, इन्हें सब इग्नोर करके चला जा। ये PDF CDF तो कोई बड़े कधी का पढ़कर पढ़ा दूँ, मैं चाइनीज पढ़ा दूंगा PDF में, देख कर मैं चाइनीज में पढ़ा दूंगा, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, चाइनीज पढ़ा दो, जोन से चाहो लैंग्वेज पढ़ा दूंगा, देख पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेज पढ़ा दूंगा, देख कर बता रहा हूँ मैं, समझ में आया बात? पूरी दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, हर सब्जेक्ट जो देख कर बोर्ड पर लिखा हुआ, ये पढ़ाई थोड़ा ही हो, बंद हो गई है पढ़ाई में, जब तो बच्चे सिलेक्शन हो कहाँ फिर बेटा, समझ में आई बात? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों सिलेक्शन हो, उनके हाथ में सिर्फ मार करो। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो जिनकी फीस 2-3 लाख रुपये महीने की साल की हो, उनके हाथ में सिर्फ मार करो और कुछ नहीं होता, समझ बात है? बाकी सब यहाँ दिमाग में, एक ही सब्जेक्ट का एक ही स्पेशल ब्रांडेड टीचर हो, धांसु टीचर हो, पूरा मोटिवेट करो बच्चे को पढ़ने के लिए, रात दिन के लिए उसकी ऐसी तैसी करो, 6 घंटे क्लास चलेगी तो 6 घंटे तक ना बच्चा फोकस लगा कर रखेगा और 6 घंटे में उसका हृदय परिवर्तन हो चुका होगा, आज समझ में? साइड में बाबू सोना का मैसेज भी आ रहा होगा ना, उसे एरोप्लेन मोड पर डाल दिया, चल भाग, 6 घंटे में इतना मोटिवेट हो चुका हो, उसे जरूरत नहीं है बाबू सोना की, उसका दिल नहीं मिलना है किसी से, बात समझ में? इसलिए वहाँ का माहौल परिवर्तित कर दे, इंसान के पीछे कुछ के अलावा कुछ रहता ही नहीं। फिर ये हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जिसकी फीस बहुत महंगी हो, महंगी वाले फीस बता रहा हूँ मैं, जहाँ बच्चे पे स्पेशल फोकस करा जा, जहाँ लाइब्रेरी में बैठा कर रखेंगे बस 8-10 घंटे, फोन अलाउ ही नहीं है लाइब्रेरी में, चला नहीं सकते आप वहाँ से बैठ कर, अगर लेकर भी जाओगे तो वहाँ समझ, वहाँ तो निगरानी होगी तुम्हारी, कोई मतलब ही नहीं बैठ। अब सोच लो, अब तुम पढ़न बैठे, इधर पढ़न बैठ रहे, इधर बाबू सोना के मैसेज आ रहे, नहीं आ रहे तो रिश्तेदारों के आ रहे, रिश्तेदार नहीं आ रहे तो किसी और का आ रहा, फिर तो डिस्टर्बेंस हो गए, तो फिर पढ़ाई हो रही, समझ में आ बात है? फिर तो समस्या खड़ी होगी, तुझे क्या रहा है, समझ आई? 4-4 बजे फोन चलाती रहती है। नहीं, तुझे तेरा नाम लिया मैंने स्पेशल, तो कुछ भी मैं इसे कह रहा था समझ में आ बात? मुझे नहीं बता दो,
सरकार कमी नहीं निकली, नहीं निकली पैसे के मामले, कंजूस है नहीं है सरकार, ये चाहती है 2 रुपए कहां से और आ जाए। ठीक, सरचार्ज समझ में आया, अधिभार समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? अधिभार समझ में आया, टैक्स के ऊपर टैक्स समझ में आए, टैक्स के ऊपर टैक्स किससे लगाया जा रहा है, इतना ही सरकार का। यूं बताओ प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम सही हो गलत हो? भारत के अंदर मौजूद है, हाँ है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स है ना, पर व्यक्तिगत आय कर, जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला कर, तुम एक ही बात लिखोगे जब भी तुम प्रत्यक्ष कर के बारे में लिखना पड़ जाना, एक ही बात लिखो, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के अपेक्षा बेहतर, इसलिए बेहतर है ना जो ना ये व्यक्ति की आय पर लगाया जाए, और इसे ना हम बर्डन दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर लगेगा वही टैक्स देगा। और हम पता क्या करते हैं, जो GST हो उसमें वस्तु खरीद कर ले आते हैं, और जो वस्तु वस्तु पर लगाया जाए टैक्स, वस्तु पर लगाया जाए वस्तु, हम अगर ये 5 रुपये भेज दें तो अगले वाले को 10 की बेच देंगे, तो हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पर, समझ बात या कीमतों को बढ़ाकर, ऐसा इसमें नहीं कर सकते हम, इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स है ना उसे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार उल्टी हो रही, सरकार पता क्या कह रही, अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं कर रहा, अप्रत्यक्ष करों में बदलाव पड़ा, सीधा बोझ, सीधा जिसका बोझ आम आदमी पड़ रहा है, जीएसटी लगा सीधा बोझ सीधा आम आदमी पड़ रहा है, सारी सेवाएं महंगी होगी, पहले जो सेवाएं थी वे 15% की कटाई थी, अब सारी सेवाएं ना 18% की कटाई थी, वो जितनी भी सेवाएं दी जा रही है ना वे 18% यानी सेवाएं 3% महंगी होगी। पहले रिचार्ज अगर 10 रुपये था ना 13 का होगा, समझ में बात या तीन गुना महंगा होगा, हर चीज 3 गुना महंगी होगी, समझ में बात या पहले 15% की कैटेगरी में थी, 15% वहाँ को रेट ही नहीं है, GST में 4-5 ही रेट, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो जो सेवाएं थी वहाँ 3% तो महंगी होगी, देख क्या नहीं रिचार्ज कितने महंगे होंगे, पहले 600-600 रुपये के, 500-500 रुपये के था, 800-800 रुपये के आया, समझ में 799 रुपये के लगा के कर दिखा दे 700 का ही हो आया, समझ में उन्होंने पता पूरा 800 ले रहा हो, करते नहीं सर 699 लिखा जाने 600 है जान बूझ कर एड्रेस पूरे 700 लेने, समझ तो तुम्हारा बेकूफ अच्छी तरह बनाया जा सका, और तुम बनने बेकूफ। इतनी GST को आगे पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान इस बात का भी है, GST को आगे पहुंचाने में, क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी सेवाएं थी सारी महंगी हो चुकी, और आजकल ना हर जो लोग सेवाएं यूज कर रहे, आप मोबाइल फोन के बिना रह सकते हो आया समझ में, लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, सही है बात कर रहा था, अगर फोन में रिचार्ज ना हो ना तो एक डब्बा हो और कुछ नहीं है, अब वो जमाने में चले गए चीप भरवाई गाने सुन लेते, अब गाने सुनने का समझ में आया बात या, अब गाने सुनने का ट्रेंड भी यूट्यूब पर ऑनलाइन सुनोगे, सीधा मन पसंद सुनोगे, विकल्प बढ़ते जा रहे हैं इंसानों के, समझ बात या, हर इंसान के विकल्प आजकल हर इंसान के पास विकल्प है, ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, समझ, जिस दिन तुम्हारे पढ़ाई के अंदर भी विकल्प खत्म हो चुका, इधर और ना इधर कोई विकल्प नहीं है, पढ़ना याद करके लेके जाना, भाई जी सुनेंगे और मारेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ये जिस दिन तुम्हारे विकल्प खत्म हो गए इसलिए तुम्हारे चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाहर बच्चा क्यों नहीं कामयाब हो पाता, इसलिए तो कामयाब नहीं होता, उसके पास विकल्प हो, अरे कौन देखेगा, जरूरत क्या है नोट्स बनाने की, अरे याद करने की जरूरत क्या है, मर्जी माया कर लिया, नहीं जी माया पढ़ गए सो गए, दर्द हो रहा है, और यहाँ अगले दिन पता लग गया यहाँ है सारे दर्द मिट जा, यहाँ है तो फिर से पता लगा सारे दर्द मिट जा, जितने चढ़ रहे थे दर्द। बात समझ आई, बुझा रहा है अब ये प्रतिगम सुन लो, अब जो GST में भी हमारे यहाँ ना, GST भी हमारे यहाँ ना सैस उपकर हमारे यहाँ से, वो कैसे देखो ध्यान लगेगा, हमारे यहाँ GST में कितने रेट, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, सेवाएं तो महंगी हो ही गई हमारे यहाँ, 18% की कैटेगरी चली गई, जो 28% रेट है ना, 28% रेट उस वस्तु पे लगेगा जो बहुत महंगी है, जैसे लग्जरी कार होगी, कार वही खरीदेगा, कार खरीदते नहीं तुरंत, अगर तुम ना 10 लाख की कार खरीदी ना पता लग जाएगा सरकार, कार लग्जरी चीज़ है, लग्जरी आइटम पर ना 28% GST, सरकार तुरंत 10 लाख की 28 तो गुना करके उन्होंने कहेगी पहले मेरे एक तरफ यहाँ रख दो साइड में, यहाँ कार बाद में ले जाइए, पहले मेरी तरफ यहाँ रख दो साइड में, इसने पर्ची कटवा दे साइड में, वो खुद ही जोड़ कर बताऊँ मैं 10 लाख की उनको गाड़ी 10 लाख की, GST जोड़ कर बताओ 10 लाख की, सरकार के पहले ले 28%। और तुम सरकार देखोगे तुम, अच्छा अमुक नाम के बंदे ना एक कार ली 28% GST दे चुका, बधाई हो, अब पता सरकार क्या, जो बंदा 28% 10 लाख की कार खरीद सक, 28% की कैटेगरी में जा सक, वो बंदा 2-4 हज़ार रुपये में देने में क्या जा रहा है, आज समझ, सरकार ने लगाया यहाँ से पता क्या लगाया 28% वालों पर, एक लगाया 28% वालों पर GST कंपनसेशन, इसे बोलते हैं GST कंपनसेशन टैक्स, इसे बोलते हैं उपकर, GST उपकर है, ये उपकर पता क्या करेगी, हमने पूछा सरकार यहाँ भी उपकर लगाओगे, यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे, जो जो लग्जरी आइटम खरीदते हैं बड़े बड़े
आइटम खरीदते हैं जो जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, एरोप्लेन खरीदते हैं, इन पर लगेगा GST। लगेगा, बुलाया उन्होंने, मैंने कहा GST क्या लगाओगे? अगर GST तो लगेगा ही, GST के साथ साथ इन पर उपकर भी लगेगा। मैंने कहा इसका नाम क्या है? अगर GST कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या नाम है? कंपनसेशन। आई दिन चर्चा में रहा हुआ, मैंने कहा इसका क्या करोगे? कह रहे देखो ये राज्य थे ना पहले, ये राज्य थे जो, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने क्या कह रहे हैं? यूँ कह रहे हैं पहले GST थे, पहले हमारी कमाई बहुत थी, GST थे पहले हमारी कमाई बहुत थी, और तुमने GST लगा कर हमारे हाथ काट दिए, हमें पैसा दो। सरकार पता क्या कहती है? केंद्र सरकार यूँ कहती है, अच्छा हमने एक GST कंपनसेशन फंड बनाया है, GST कंपनसेशन अरे फंड बनाया हमने, कंपनसेशन फंड बनाया, और इस फंड में हम जो जो कार खरीदने जाएगा, बड़े बड़े आइटम खरीदने जाएगा, उस तो वहीं हम GST कंपनसेशन लगा देंगे उस पर ऊपर, GST कंपनसेशन सेस लगा देंगे उसके ऊपर, और वहाँ तो जो पैसा मिलेगा इस फंड में डाल देंगे, और इस फंड में डालकर राज्य को दे देंगे। ऐसा समझ लो जो ना घाटा होगा था, ऐसा समझ लो इक ठीक ठाक चल रहा था मामला 2019 से, ठीक चल रहा था, बीच में आया कोरोना। बीच में क्या आया? कोरोना। तो इसमें ना इसमें 7-8 हज़ार करोड़ रुपया होते इस वाले फंड में, 7-8 हज़ार करोड़ रुपया होते कुल, और GST का पैसा देना पड़ रहा है, जो GST जो राज्यों को घाटा हुआ था वो 81,00,000 रुपया घाटा था वो, इसमें 6-7 हज़ार करोड़ रुपया होते, उसमें 81,000 करोड़ का घाटा था वो राज्यों को देना था। यहाँ मामला पेच फंस गया। अब तुम सोच सकते हो इसमें कितना पैसा पड़ा होगा, पैसा पड़ा होगा भाई, फंड ही तो है कि प्रकार सरकार ने इकट्ठा कर रखा है, लग्जरी आइटम पर लगा के इकट्ठा कर रखा है, इसमें 0 पैसा इस टाइम, क्योंकि जो राज्य थे उनका ही पैसा नहीं दिया गया अब तक भी, सारा खत्म नहीं होगा होगा, समझ में आया बात है? तो GST कंपनसेशन जो फंड ने बना रखा है कर लगा नहीं है, जितना पैसा होता सारा का सारा मैट रखा होगा, ये तो 0 पड़ा होगा सारा का सारा, 0 पड़ा है, माइनस में पड़ा है सारा खत्ता है, समझ आई बात है? हाँ, अब इसमें ग्रोथ हुई कोरोना आने के बाद ना 2020-21 में, इसमें 0 रखा रहा, 0 दिखाई दे, 0 बैलेंस अकाउंट इसमें। इतनी बात बताओ, GST कंपनसेशन फंड भी समझ में आया नहीं तुझे? GST कंपनसेशन उपकर, कंपनसेशन सेस समझ में आया, सेस का मतलब समझ गया, उपकर हो 28% लग्जरी आइटम पर लगाया जाएगा। बात समझ में आ रही? बुझा रहा है, इकोनॉमिक्स की वीडियो बार बार देखे करो, उन तक ना तुम उत्प्रेरित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर पढ़ने की ना लालसा जाग उठी होगी, तुम्हारे अंदर का जो आत्मअभिमान मर चुका था ना वो दोबारा जाग उठ चुका होगा, समझ में आया बात यार? इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, ब्रांडेड चीज है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब हम पैसा कमाना सीख रहे, हमारा दिमाग डेवलप हो रहा है, सोसाइटी पढ़ने का मतलब हम सोसाइटी प्रति संवेदनशील हो रहे, और UPSC के पढ़ने का मतलब नहीं तुम इंसान बन रहे, UPSC पढ़ने का मतलब ही हो तुम इंसान बन रहे, जानवर थे तुम पहला, बुझा रहा है? बुझा रहा है? एक बात और सुन लो, अब ये GST कंपनसेशन भी समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अभी मैंने ना ये डिस्कस कर, मैम प्लीज चुप हो जाओ, ये डिस्कस कर दिया मैंने प्रगतिशील कर प्रणाली, अब ये प्रतिगामी कर प्रणाली बता रहा हूँ मैं, देखेंगे प्रतिगामी कर प्रणाली हमारे महाभारत में है क्या, प्रतिगामी ना प्रगतिशील की डायरेक्ट उल्टी हो, इसमें क्या हो, अगर किसी की इनकम ज्यादा ज्यादा रेट पर टैक्स, अगर किसी की इनकम कम कम रेट पर टैक्स, यहाँ देख लिया तुमने अंदर है नहीं, इसमें उल्टा हो डायरेक्ट, अगर किसी की इनकम कम ज्यादा रेट पर टैक्स, अगर किसी इनकम ज्यादा समझे तो कम रेट पर टैक्स, ऐसा कैसे होगा? ये तो बहुत बेकार सिस्टम है ना, है नहीं? भारत में भी है ऐसा, भारत में भी ऐसा, GST ऐसा ही नहीं है। आ जाओ देखो, मान लो आ जाओ ये है सोनू जी, आए समझ में? ठीक, ये उनकी वाइफ, समझ में आया बात है? अभी अभी शादी नहीं हुई इनकी, अभी मिले भी नहीं है, ध्यान ठीक, और ये टाइम दिल्ली में, कहाँ सी? दिल्ली में दोनों। इन्होंने ना सोनू जी ने बताया क्या किया, एक गिलास ना एक पैकेट जूस का लिया, जूस का पैकेट लिया, और सोनू जी जो जूस का पैकेट मिला 500 रुपये का, इन्हें भी 500 का मिला, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे जूस का पैकेट लेकर, दोनों ने पाइप डाल रखा, हाँ जूस के पैकेट में दिक्कत, चुप करो, 500 रुपये ठीक, ये इनकी तरफ टुकर देखे, ये इनकी तरफ देखे टुकर, समझ में आया बात है? वो दिक्कत यहाँ तक ठीक, तो 500 रुपये का, 500 रुपये का अभी समझा रहा हूँ, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हो, फिर जिंदगी भर नहीं भूल लेंगे तुम, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या हो, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या हो, व्हाट विल बी रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या हो, तो 500 रुपये दिए ठीक, लेकिन तुम पता सोनू जी की इनकम पता कितनी, केवल सोनू जी की इनकम 10,000 रुपये,
10,000। इसकी इनकम पता कितनी, केवल सुनो ध्यान लगाकर, इसकी इनकम केवल 1,000 रुपये। क्या हो गया यहाँ भी तेरे सत्तात्मक सोच चल रही है? अच्छा समझ में आया दिया, फालतू नहीं बोलना चाहिए, चल चुप हो जा। अब बताओ दोनों ने बराबर टैक्स दिया, बराबर टैक्स दिया, लेकिन बराबर क्या रेट टैक्स, बराबर रेट पर टैक्स नहीं दिया, आया समझ में? बराबर पता रुपए में टैक्स दिया, बराबर बराबर टैक्स दिया, देखो कैसे टैक्स दिया। अब देखो कितने रेट पर टैक्स दिया, 500 का 1000% निकाल लो, ये 500 1000 का 10,000 का कितने परसेंट है बताओ जरा मुझे, करे 10,000 का कितने परसेंट, 100 से गुणा कर दोगे, धड़ धड़ कितना बैठा का बताओ, धड़ 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 5%। यानी सोनू जी ने केवल 5% टैक्स दिया, अपनी इनकम का 5% टैक्स दिया। अब इनकी वाइफ का निकालो, क्या जुगाड़ इनकी वाइफ का, साथ दी हुई नहीं अभी, गुणा में कितना, सो धड़ 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 धड़, हाँ लूट लिया लूट लिया लूट लिया उन सोने वालों को लूट लिया, 50% टैक्स भाई, 50% टैक्स, कितना महंगा टैक्स दिया उसने, 500 रुपए का जूस मैंने पिया, 500 का पिया उसने, ऐसा समझ, मेरी इनकम 10,000 उसकी इनकम 1,000, उसने अपनी इनकम का ना 50% टैक्स दिया भाई जान, देखो तुम 1,000 का आधा 500 रुपए, समझ नहीं आती यार, देखो मैं केवल 5% टैक्स दिया, तो ये बताओ उल्टा नहीं हो रहा है, जिसकी इनकम ज्यादा वो कम रेट पर टैक्स दे रहा है, जिसकी इनकम ज्यादा वो कम रेट पर टैक्स दे रहा है, और जिसकी इनकम कम हो ज्यादा रेट पर टैक्स दे रहा है, यहाँ तो केमिकल लोचा हो रहा है उल्टा, इसका उल्टा नहीं है डायरेक्ट, इसलिए ऐसा ही तो भारत में, ऐसा ही तो जीएसटी ऐसा ही नहीं है, इसका मतलब जीएसटी ने एक प्रकार का वो ना जीएसटी हमारे यहाँ से प्रतिगामी कर पड़ने वाला, बुझा रहा है। अब ये क्या चीज है समानुपाती कर प्रणाली, ये क्या हो, देखो सुनो ध्यान लगाएगा, इसे बता क्या हो, कुछ देश ऐसे हो उनकी आय पर जो कर लगा, आय पर वस्तु अपनी आय पर जो कर लगा वो समान रेट का लगेगा, चाहे तुम्हारी तुम्हारे खाते में 10,00,000 रुपये पड़े हुए ना, 10,00,000 रुपये पड़े हुए तब भी तुम्हें 10% टैक्स देना पड़ेगा, 20,00,000 पड़े हुए तब भी 10% देना पड़ेगा, 50,00,000 पड़े हुए तब भी 10% देना पड़ेगा, एक ही रेट रहेगा बिल्कुल, इसे बोलते समानुपाती कर प्रणाली। ऐसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं कहीं है कैनेडा का कुछ हिस्सा, कुछ घर ऐसे हो वहाँ से, कुछ एरिया में कुछ घर ऐसे हो, इसकी घर इनकम इतनी, इस कॉलोनी की सब जो बसे हुए हैं सब, उनमें सबकी इनकम 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, तो वहाँ ने एक प्रकार तम इस कर प्रणाली को यूज कर दिया, सब पर 10% का टैक्स लगेगा, तो पूरी दुनिया में जो बीच वाली कर प्रणाली समानुपाती कर प्रणाली, ये कहीं ऐसा टैक्सेशन सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्यों, इसका मतलब अगर ऐसा टैक्सेशन सिस्टम कहीं होगा ना, इसका मतलब दुनिया में समानता आ चुकी, इसका ही तो मतलब होगा, समझ रहे हो तुम, क्योंकि इतना मैंने तुम्हें फिलोसॉफिकल बना दिया, तो अगर समानुपाती कर प्रणाली होगा ना, सहता समानुपाती सहता समानता, ये वही होगा जहाँ समानता आ चुकी होगी, सबकी इनकम बराबर होगी, समझ में आई बात है, लेकिन कनाडा के और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में ना कुछ लोगों की इनकम बराबर के आसपास है, समझ में आई बात, तो वहाँ ना समानुपाती कर प्रणाली है, एक ही रेट पर टैक्स ले जाता है बिल्कुल। आज मैंने 3 टैक्सेशन सिस्टम समझाए, क्या तुम्हारी समझ में आए, समझ में आए, और तीनों बुझा गए होंगे दिमाग में, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, बता भी सकते हो, सुना भी सकते हो, समझ आई बात, बस 10 दिन बाद भूल जाओ तुम, यही दिक्कत है, लेकिन मैंने यह दिक्कत भी समाप्त कर दी, पूछो कैसे, वीडियो जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, अपने आप भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ, अपनी माता को दिखाओ, चाची को दिखाओ, ताऊ को दिखाओ, क्या फर्क पड़ रहा, तो इसमें किसी का क्या जा रहा है, जमाने को हम पे बहुत प्यार आ रहा है, समझ में आया दावत, हाँ मैं पहले समझा रहा हूँ, नए साल को शायरी सुनाऊंगा, गिफ्ट चाहिए मुझे, समझ में आया बात, यह शायरी चिड़िया पानी पे रही थी, मुंह में बाल आ गया, पीछे मुड़कर देखा तो नया साल आ गया।